नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ रईस में। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 के एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ मार्क्स, इसका रिजल्ट कब तक आने की संभावना है तथा दौड़ कब तक लिया जा सकता है। दोस्तों, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स जानने से पहले हम कुछ बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, ये वैकेंसी 2020 में आई थी, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर था 05/2020। इसमें कुल पोस्ट की संख्या था 8415। एग्ज़ाम इसका हुआ था 14 मार्च और 21 मार्च को हुआ था। दोस्तों, ये वीडियो बनाना इसलिए पड़ रहा है कि बहुत सारे फ्रेंड्स का क्वेरी था कि सर, जब मैं एग्ज़ाम दे करके आया था उस समय जो आंसर की मिलाया था और जब फाइनली विभिन्न माध्यमों से फाइनली आंसर की मिलाया तो उसमें 4 से 5 नंबर मेरे मार्क्स कम गए हैं, तो इस कंडीशन में मेरा क्या रिजल्ट हो सकता है। दोस्तों, बता दूं कि इससे पहले मैं एक बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन 2020 के एक्सपेक्टेड कटअप के ऊपर वीडियो बना चुका हूं। इसमें 5 कटअप इफेक्टेड फैक्टर को डिस्कस किया गया है, जिससे बहुत कम कटअप जाने की संभावना को प्रिडिक्ट किया गया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, फिर भी आप लोग के क्वेरी के आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप इसमें भी कट ऑफ मार्क्स दे सकते हैं। अगर आपके इसके आसपास या 1-2 नंबर कम भी आ रहे हैं तो आप बेफिक्र होकर के आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, बता दूं कि इसमें कुल मिलाकर के 8415 सीट थे और इसमें पीटी के लिए क्वालिफाई किया जाएगा कुल सीट का 5 टाइम्स, यानी 8415 में 5 टाइम्स से गुना करें तो 4275 कैंडिडेट का फाइनली सिलेक्ट किया जाएगा और फाइनल मेरिट लिस्ट प्रकाशित किया जाएगा 8415 का। दोस्तों, अब हम बिहार पुलिस कांस्टेबल के न्यू एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम मेल कैंडिडेट के एक्सपेक्टेड कट ऑफ को देखेंगे। दोस्तों, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 68+ आ रहे हैं, 68+ मार आ रहे हैं या ±2 आ रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपका रिजल्ट होने की बहुत संभावना है। नेक्स्ट देखते हैं EWS का। दोस्तों, अगर आप EWS से हैं और मेल कैंडिडेट हैं तो आपका मार्क्स अगर 60+ आ रहा है, अगर 60+ आ रहा है तो आप 100% फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, आपका रिजल्ट पक्का होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, अगर आप OBC से हैं और आपके मार्क्स 64+ आ रहे हैं या 1-2 नंबर कम भी आ रहे हैं तो आप बिल्कुल फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, आपका रिजल्ट होने की बहुत बहुत संभावना है। नेक्स्ट, अगर आप EBC से हैं और आपके मार्क्स 62+ आ रहे हैं, अगर आपके मार्क्स 62+ आ रहे हैं तो आपका रिजल्ट होने की पूरी पूरी संभावना है। अगर आप AC कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 58+ आ रहे हैं तो आपका रिजल्ट होने की संभावना है। अगर आप AC कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 60+ आ रहे हैं या ±2 आ रहे हैं तो आपका रिजल्ट होने की बहुत बहुत चांस है। दोस्तों, अगर आप मेल कैटेगरी से हैं और ऊपर बताए गए कटअप के आसपास में या 1-2 नंबर कम बेसी भी आता है तो आप बिल्कुल फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपका रिजल्ट हो सकता है। दोस्तों, अब देखते हैं कि फीमेल कैंडिडेट का कटअप कितना रहने वाला है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 58+ आ रहे हैं तो आपका रिजल्ट हो सकता है। अगर आप EWS से हैं और आपके मार्क्स 50+ आ रहे हैं तो आपका रिजल्ट होने की पूरी पूरी चांसेस है। अगर आप OBC से हैं और आपके मार्क्स 54+ आ रहे हैं तो आपका रिजल्ट होने की संभावना है। अगर आप EBC से हैं और आपका मार्क्स 48+ आ रहा है तो आप 100% फिजिकल की तैयारी में लग सकते हैं। अगर आप SC कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 40+ आ रहे हैं तो आपको 100% रिजल्ट होने की संभावना है। दोस्तों, अब कुछ सवाल को देख लेते हैं। दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट का क्वेरी है कि सर, अगर मैं कोई कैटेगरी से बिलोंग करता हूं और मेरा मार्क्स अधिकतम आ रहा है तो क्या मैं जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई करूँगा या अपने कैटेगरी से क्वालिफाई करूँगा। तो दोस्तों, बता दूं कि अगर बिहार पुलिस में आपका मार्क्स अधिकतम आ रहा है, आप टॉप भी हैं
और आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जनरल कैटेगरी में रिजल्ट नहीं होगा, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसी कैटेगरी में रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। दूसरा सवाल है कि रिजल्ट के कितने दिनों के बाद में फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। तो दोस्तों बता दें कि आपको रिजल्ट के 30 से 35 दिनों के अंदर ही आपका फिजिकल टेस्ट स्टार्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिरकार बिहार पुलिस का रिजल्ट कब तक आएगा। दोस्तों बता दें कि बिहार पुलिस का रिजल्ट जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के फर्स्ट वीक तक आने की पूरी पूरी संभावना है, और अगर जुलाई या जून के एंड तक रिजल्ट आता है तो उसके 30 से 35 दिनों के बाद यानी आपका जो रनिंग यानी PET होगा तो अगस्त में होने की पूरी पूरी संभावना है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।